तो हेलो गाइज, स्वागत आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज ये वीडियो भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाली की। तो गाइज आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं नाइट हॉक 444। गाइज तो आप लोगों को किसी के नाम से व्यूज लेने हैं और आप लोगों को ये भी दिखाना है कि आप उसके नाम से व्यूज नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कहेंगे? पहले कहेंगे कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि जिसके नाम से वो व्यूज लेना चाहते हैं उसका नाम लेगा, फिर बोलेगा लगता है मैं इसके नाम से व्यूज कमाना चाहता हूँ, तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। ये हो गया गाइज एक इमोशनली लाइन जिससे लोगों को लगेगा ये व्यूज छापने नहीं आया, ये अपनी बात बताने आया है। गाइज यही काम किया है एक नाइट हॉक 444 नाम के बंदे ने, जो कि गाइज पागल M10 का जो एक मैच हुआ था कि फ्रेंडली मैच कन्वर्ट्स इनटू इमोट मैच, उसमें गाइज उसके साथ रैंडमली मिला था। तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइज उसके बाद ये बंदा कहता है कि पागल M10 में जो इससे मिला था वो ये बंदा उसके साथ रैंडम नहीं था, ये बंदा उसके साथ पहले से ही दोस्त था। तो गाइज मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ कि कैसे ये बंदा रैंडम था और क्यों ये झूठ बोल रहा है। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, पागल M10 ने फ्रेंडली मैच वाली जो वीडियो डाली थी वो डाली थी 8 महीने पहले। और गाइज जो हमारे जो नाइट हॉक भाई का कहना है गाइज वो भी सुन लीजिए। अंडरस्टैंडिंग थी तो मैंने ये भी स्टोरी डाली थी, इसका भी तुम प्रूफ देख लो इधर स्क्रीन पर, ठीक है? तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये बंदा खुद ही चूतिया है कि तू खुद ही चूतिया है, तूने आईडी दी क्यों? तो मैं बताता हूँ भाई, ऐसा था हम बहुत पुराने दोस्त थे, मतलब 5-6 महीने के, और ये जब भी ऑनलाइन आता था मेरे साथ ही खेलता था, मैं जब ऑनलाइन आता था इसके साथ ही खेलता था, तो अच्छे खासे ट्रस्ट बन गया था और उसके पास। तो जो ये बंदे ने बात बोली है ये सुन के तुझे क्या लगता है, क्या है ये बंदा? तो एक बच्चे में भी इतना दिमाग है कि वो अपने जो ट्रस्ट है वो कितने महीने में करना है, कैसे करना है, उसको ये भी पता है। और गाइज आप लोगों को अभी तक वीडियो समझ नहीं आई हो तो मैं बता दूं, ये नाइट हॉक नाम का बंदा है जो कि पागल M10 के भाई पे एलिगेशन लगा रहा है कि उसने उसकी आईडी स्कैम कर ली, और जो पागल M10 है उसने जो वो NG स्पोर्ट्स से जो उसे किक किया था उसमें नेक्सिज नाम का बंदा है, नेक्सिज जो पागल M10 का दोस्त है, आप लोगों को डिस्कॉर्ड पर मिल जाएगा, वो अपनी बंदी की आईडी से आया था और उसने NG वालों को पहले इमोट दिखाया था डाउन करके, और इसलिए उसके बाद में जो NG के बंदों ने उनको इमोट दिखाया, और ये सब उस टाइम पागल रिकॉर्ड कर रहा था और उसने कंटेंट बना लिया और कंट्रोवर्सी कर दी, और उस वजह से पागल को NG ने किक कर दिया। और ये थी गाइज पूरी स्टोरी जो गाइज ये बंदा कह रहा था। गाइज मैं पहले पागल M10 के भाई के ऊपर जो इसने एलिगेशन लगाया है वो क्लियर करता हूँ। तो गाइज ये बंदा साफ साफ अपने चैट्स दिखा के कहना चाहता है कि पागल M10 के भाई ने इसकी आईडी स्कैम की है। तो गाइज मैं आप लोगों को पूरी बात समझा देता हूँ, इस बंदे ने सारे चैट्स नहीं दिखाए, जो गाइज मेन चैट्स थे जो गाइज पढ़ने चाहिए थे वो इस बंदे ने बीच में ब्लर कर रखे हैं, आप लोग इसकी वीडियो में जाके नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद गाइज जो इसने ऊपर के चैट्स होते वो भी नहीं दिखाए, और ये गाइज एक टाइप से पागल M10 के छोटे भाई को ब्लैकमेल कर रहा था आईडी के लिए, क्योंकि गाइज जो आईडी है इसने मानता हूँ गाइज अपना दोस्त चलो मन गए दोस्त आईडी दे दी होगी, तो गाइज उसके बाद गाइज हज़ारों प्रॉब्लम आती है अगर एक बार अकाउंट पे सिक्योरिटी की वगैरह अगर लग जाए तो, दोनों में से किसी के पास भी नहीं रहती आईडी गाइज, ऐसा भी सीन होता है, मेरे साथ भी हुआ था गाइज, मेरी भी आईडी गई थी एक, इससे तो काफ़ी अच्छी आईडी थी, मेरी आईडी गई थी गाइज। और ये जो गाइज बंदा बोल रहे हैं ना मेरा भाई है एक, वो NG वाला मामला क्लियर करेगा, और ये तो गाइज एक जो आईडी वाली बात कर रहा है गाइज, ये दोनों अलग अलग बंदे नहीं एक ही बंदे, आप लोग इन दोनों की वॉइस मैच करना, इसने बस क्या किया है एडिट करके दोनों की वॉइस गाइज एक की थोड़ी मोटी कर दी एक की पतली कर दी गाइज, आप लोग वॉइस मैच करना, आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा कि ये दोनों एक ही बंदे हैं। बाद ये बंदा बोलता है कि जो पागल M10 का भाई है ये डिस्कॉर्ड पे गया उसको टैग किया उसने इसको बैन दे दिया, वो क्लिप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारा उन्होंने स्टोरी देखी हुई, ठीक है ना, शिवा ने जैसे स्टोरी देखी इसने मेरे को अनब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप, अनब्लॉक क्योंकि मेरे को इसलिए अनब्लॉक क्योंकि इसके भाई की फटी, ठीक है, इसलिए फटी क्योंकि भाई इसके ऊपर ऑलरेडी इतने एलिगेशन लग रखे हैं, एलिगेशन क्या भाई सब कुछ सच है, ठीक है ना, सब कुछ सच है, और एक और लग जाएगा तो भाई इसकी तो इज्जत। तो गाइज पहले ये बंदा मुझे ये बताइए, ये पागल M10 के भाई को टैग कर रहा है या पागल M10 को टैग कर रहा है? एलिगेशन पागल M10 के ऊपर लगे हैं, पागल M10 के भाई पे कब लगे हुए एलिगेशन? हर्षित मार्केट में कुछ नया है क्या भाई? पागल M10 के भाई पे भी एलिगेशन लग गए क्या बहुत सारे? अरे पता नहीं, ये बंदा भाई अलग ही नशा करता है, थंबनेल पे लगा के रखता है पागल M10 एक्सपोज, और वीडियो में करता है पागल M10 के भाई एक्सपोज।
तो गाइज मैं आप लोगों को बात बता दूं, गाइज ये जो बंदा के इधर अपनी रामायण गा रहा है, बोल रहा है कि पागल एमटेन का भाई ने इसका अकाउंट स्कैम कर लिया, ये बात सरासर झूठ है गाइज। जो पागल एमटेन ने गाइज इसको डिस्कॉर्ड से बैन किया है गाइज, वो खुद पागल एमटेन ने किया है, ना कि पागल एमटेन के भाई ने किया है। क्योंकि गाइज डिस्कॉर्ड पे आप लोग जाओगे तो उधर ओनर को टैग करना मना होता है, आप लोग जाके देखना उधर कोई भी पागल एमटेन या फिर किसी को भी टैग नहीं करता। अगर टैग करता है तो उसको डायरेक्ट सर्वर से बैन मिल जाएगा, मना करने के बाद भी अगर वो टैग करता है। और गाइज ये जो बंदा है उधर जाके कितने बंदे टाइप्स कर रहे थे आप लोग चेक कर लेना उसकी वीडियो में जाके डिस्कॉर्ड पे, या फिर मैंने भी जो क्लिप डाली है डिस्कॉर्ड की उधर आप लोग चेक कर लेना कि कितने बंदे टाइप कर रहे थे। तो गाइज पागल एमटेन क्या जरूरी है कि इसी की बात का रिप्लाई दे रहा हो गाइज। ये तो गाइज मतलब मनकड़ंग कहानी हो गई ना कि इसकी वीडियो का इसके बात का रिप्लाई दे रहा था, और गाइज क्या प्रूफ है इसके पास इसी की बात का रिप्लाई था। तो गाइज दूसरी बात आती कि पागल एमटेन को एनजी स्पोर्ट ने क्यों क्लिक किया था या फिर ये बंदे रैंडम नहीं थे, वो बात गाइज मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दी थी कि कितने टाइम से ये बंदा अपने आप को दोस्त बता रहा है, कितने टाइम पहले वो वीडियो डली थी वो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइज उसके बाद तो बात आती है कि ये बंदा बोलता है कि पागल एमटेन का जितना भी गेम प्ले है वो आरओजी के एयर ट्रिगर्स की वजह से है। क्योंकि गाइज पागल एमटेन का जो पहले का जो गेम प्ले था रेडमी का वो ऐसा नहीं था गाइज, वो भी मैं आप लोगों को प्रूफ कर देता हूँ कि पागल एमटेन का रेडमी का गेम प्ले वैसा का वैसा ही था उस टाइम पे भी जैसा अभी उसका आरओजी में है। तो गाइज ये देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या दिखा रहा हूँ। तो गाइज ये एक बंदा है बीबीएफ राइस्टार करके, ये पहले बीबीएफ आर्मी में हुआ करता था। तो गाइज मैं पागल एमटेन का फैन उसके चैनल से नहीं बना था, ये मेरा बहुत मतलब अच्छा दोस्त है, इसने अपने चैनल पे पागल एमटेन का फ्री स्टाइल का जो अभी मैं पागल एमटेन का गेम प्ले वो वीडियो डाला था इसने अपने चैनल पे। क्योंकि उसके बाद गाइज ये बंदा डीपीआई यूज करता था, इसका फोन रीसेट हो चुका है, खराब हो चुका है, अभी इसके पास अलग डिवाइस है। तो गाइज सीन ये है कि उस टाइम के बाद मैं बना था पागल एमटेन का फैन, और उस टाइम पे पागल एमटेन के कुछ 60K अराउंड सब्सक्राइबर्स थे। तो गाइज उस वक्त मैं उस पागल एमटेन जो रेडी में ही खेलता था, और गाइज पागल एमटेन का जो उस टाइम पे जो गेम प्ले था वो एकदम ऐसा ही था, क्राउच हेडशॉट पूरा बवंडर ग्लोअल। गाइज उस टाइम पे दिक्कत यही था कि पागल एमटेन इतना मतलब परफेक्ट नहीं कर पाता था। तो गाइज वो उसकी प्रैक्टिस मतलब हुई तब तक उसका आरओजी गाइज आ गया था, और गाइज उसने आरओजी में आने के बाद अपना जो गाइज उसका बवंडर था जो उसका रियल गेम प्ले था उसने अपना रियल गेम प्ले दिखाना शुरू कर दिया। और गाइज जिन लोगों को भी ये लगता है ना पागल एमटेन ट्रिगर यूज करता है, तो गाइज उसने आईफोन 13 प्रो मैक्स करके एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उस उधर जाके उसके मोंटेज देख लो, उसके बाद उसका हैंड कैम देख लो गाइज, जाके आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। गाइज इसके बाद हम बात आती है जिसके चैनल के लिंक से मुझे इस नाइट हॉक के बंदे की वीडियो की लिंक मिली थी। हाँ गाइज आप लोग सही समझ रहे हैं, उसका नाम है कोलमी अमन। गाइज इस बंदे की मतलब बात सुनने के बाद जो गाली दिमाग में आती है ना वो इसने अपने इंट्रो में डाल रखी है, रुको मैं दिखाता हूँ। गाइज जिस बंदे का इंट्रो ऐसा हो सकता है गाइज उसका करेक्टर आप लोग सोच ही सकते हैं। जो गाइज पागल एमटेन के करेक्टर पे दाग लगाना चाहता है उसका करेक्टर गाइज आप लोग सोच सकते हो उसका इंट्रो कैसा है वही देख। तो गाइज ये मतलब इंट्रो देखने के बाद मुझे इसके बारे में और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज मैं आप लोगों को पागल एमटेन के रियलमी का जो कस्टम एचयूडी था उसका वो भी दिखा देता हूँ। गाइज ये है पागल एमटेन का पुराना कस्टम एचयूडी रेडमी का, और गाइज ये कस्टम एचयूडी आप लोग पागल एमटेन के आरओजी के कस्टम एचयूडी से जाके मैच कर सकते हैं। गाइज कुछ भी मतलब डिफरेंस नहीं है, बंदा पहले भी इसी कस्टम एचयूडी में था अभी भी इसी कस्टम एचयूडी में। तो गाइज कैसे कोई बोल सकता है कि ये बंदा मतलब एयर ट्रिगर यूज कर रहा है। उसके बाद गाइज ये बंदा बोलता है कि कोलमी अमन बोलता है कि इस बंदे ने कोलमी अमन और एनजी स्पोर्ट को रोस्ट किया शिवा भाई के मैनिपुलेट करने पे इस बंदे को। रुको गाइज मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। तू लोग गलत एलिगेशन लगा रहे, और शिवा को यशवंत अपना दोस्त मानता था तो इसी बात पे मैनिपुलेट होके वो शिवा की बात के अंदर आके मेरे अगेंस्ट और नॉनस्टॉप गेमिंग के अगेंस्ट एक वीडियो बना दी। गाइज यहाँ पे मैं यशवंत की बात कर रहा हूँ जिसका कोलमी अमन ने उसी वीडियो में जिक्र किया था जहाँ पे वो मतलब रिप्लाई दे रहा था महाकाल आर्मी को, उसके उसने जो रिप्लाई दिया था कोलमी अमन के उस वो यशवंत ने जो शिवा भाई पे एलिगेशन लगाए थे। तो गाइज इसमें भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उस बंदे ने पागल एमटेन के फेवर में क्या वीडियो डाली थी जो ये बंदा बोल रहा है कि शिवा भाई के बोलने पे डाली थी। बीमारी चल रही है जिसका नाम है स्काई लॉर्ड बवासीर, जिसे हम पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार की समस्या है जिसमें व्यक्ति के मल द्वार पर मल त्यागते समय जलन होना और दर्द होना सामान्य है। और तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। सब जाता हूँ, थोड़े दिनों पहले बात है, यहाँ पे पागल एम10 के चैनल पे यहाँ पे स्काई लॉर्ड ने रिएक्शन किया था, और यहाँ पे पागल एम10 को गेम प्ले को बहुत ही ओपी कहा था, भाई ऐसा कैसे खेल लेता है, यहाँ पे स्काई लॉर्ड ने ये कहा था पागल एम10 के चैनल पे रिएक्शन किया था। ओके गाइस, तो यहाँ पे जब उसने सेकंड वीडियो डाला पब्लिक के कमेंट करने में, ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे ही पागल एम10 के चैनल पे अच्छे व्यू आने लगे, को हुई एक बुरी बीमारी जिसको इंडिया में बवासीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोलमी अमन के हिसाब से इस बंदे ने, यशवंत ने कोलमी अमन और एनजी स्पोर्ट को रोस्ट किया, लेकिन गाइस ये देख वीडियो देखने के बाद तो मुझे कुछ अलग ही लग रहा है गाइस। इसमें एनजी स्पोर्ट और कोलमी अमन को इतना ही मतलब रोस्ट किया गया था, इतना ही एक्सपोज किया गया था जितना कि एक गुड़ में चीनी होती है। चलते हैं अगले वीडियो में गाइस, जिसका पार्ट टू लाऊंगा गाइस। इस वीडियो के रिलेटेड ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं और प्रूफ्स भी हैं जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में इतना कुछ क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतनी बड़ी वीडियो हो चुकी है, तो गाइस मैं वीडियो को और लंबी नहीं करना चाहूंगा। तो गाइस जिसने भी अभी तक वीडियो देखी है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।